हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई सी 2.0 चैनल। और आइए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे थे हम लोग आज के हमारे जो क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेंटिंग, ड्रेस और जो ट्राइब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके रिसेंट ईयर में एसएससी ने जो पूछे हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में जिक्र करूंगा। तो एक बार मैं आप लोग के कॉमेंट भी देख लेता हूँ और सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को आप लोग शेयर भी कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि जो बच्चे भी आप मुझे नहीं जानते हो, तो मेरा नाम अनुराग है और मैं एसएससी की जो कैटेगरी ना उसमें ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सभी सब्जेक्ट मैं आप लोग के साथ में वहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। और इसके अलावा गाइस, ये मेरा कोड है NG10, जिसका इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो और आपको इंस्टेंट 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। हेलो कनिष्क, एसएससी एस्पिरेंट रुचि, शिवानी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इस सेशन को। कमलदीप, शिवानी, रुचि, एसएससी एस्पिरेंट, कनिष्क, चलिए गाइस। तो इसके अलावा दोस्तों, हम लोग प्लस के बारे में बात करें तो वहां पर आपको लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, हर लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होगा, हर संडे टेस्ट आप देख सकते हैं और हर फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग होता है और बायलिंगुअल जो है कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ, 30+ बैचेस एवरी वीक हो रही है एंड 300+ क्लासेस एवरी डे हो रही है। 70+ टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 90% से भी जो ज्यादा स्टूडेंट है उनका टेस्टेड है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, 1 ईयर की फी है 6500 और 2 ईयर की है 7800, बट ये आपको पे नहीं करना है। जस्ट यूज दी कोड NG10 और इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 5850 एंड 7020। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप इससे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको अवेलेबल होगा, 2 ईयर का आप अगर लेंगे तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपके पास में अवेलेबल होगी। स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार मैं और कमेंट देख लेता हूँ। हेलो प्रवीण, शिवानी, मेघा, रिया, अमित, प्रतिभा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हो द कलरफुल आर्ट नेम्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को देखना है भैया ना, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आपका नंदना ब्लॉक प्रिंट बोला जाता है इसको। मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये आपको क्लियर विजिबल होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली पूरी की तरीके से कलरफुल आर्ट पेंट है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंदना ब्लॉक प्रिंट, विच यूजेस ग्रेसफुल, है ना। काफी अगर हम लोग गाइस बात करेंगे तो बहुत अच्छा ये दिखेगा आपको। और हम लोग बात करेंगे, इसे तारापुर विलेज में बनाया जाता है, फैब्रिक है, कपड़ों के लिए होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम का रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकन की सुंदर परंतु आप बोल सकते हो संरेखित व्यवस्था का उपयोग कर दिए, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि ये जो चीजें हैं ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, इसको आप ऐसे मार्क कर लेना, नंदना ब्लॉक प्रिंट कहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो विलेज भी याद रखो, विलेज का नाम है यहाँ पे तारापुर। और अगर हम बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। यस सर, है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओके गाइस, है ना, ओके मेगा, हाँ जी। तो मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। आप सारे बच्चे इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और अगर गाइस मैं बात करूं, आपको मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नीमच। नीमच नाम का एक जिला है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और आप इसको याद कैसे करोगे भाई बताओ, जो नंदना है नाम का बंदा है जो भी है वो कहाँ रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना, नीमच डिस्ट्रिक्ट। अगला देखते हैं गाइस, जो नीशी ट्राइब है ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है। नीशी जो जनजाति है दोस्तों, ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। कई बार एग्जाम में आ चुका है और जब का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आया था CGL 2019 में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। CGL 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। हाँ जी, निशी ट्राइब, निशी जनजाति, ये हमको कहां पर देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आप एकदम सही बता रहे हो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को ये मिलेगा। और दोस्तों याद रखना, ये जो है कुछ एरिया में हम लोग बात करें तो भूटान वगैरह में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है निशी ट्राइब। गाइस चिकन करी, चिकन करी बेसिकली बात करें गाइस, आप जानते हो जो ये जो कपड़े होते हैं ये बेसिकली एक
एम्ब्रॉयडरी है, बेसिकली मैं बात करें एक प्रकार की कढ़ाई है, और ये हम लोगों ने देखा है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ट्राई करो दोस्तों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऐसा याद रखिएगा कि यहाँ का चिकन बड़ा फेमस है, तो चिकन करी यहाँ पे फेमस है, और ये मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। हाँ जी तो दोस्तों हमने पढ़ा था इसको, इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हो दोस्तों, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा और एग्जाम में पूछा जाएगा। देन अगला हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, एरियल स्क्रॉल इज अ डाइंग आर्ट फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिस बाई वन फैमिली कॉल्ड, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, नकाशी फैमिली। नकाशी फैमिली फॉर मैनी जनरेशन नेम दी मॉडर्न डे स्टेट विच ओन दी आर्ट फॉर्म। दोस्तों हम बात करें जो चेरियल स्क्रॉल है, ये देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंस क्रिएट करके देंगे बाकी लोगों से, जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से दोस्तों एक परिवार करता आ रहा है, और वर्तमान में ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नक्काशी फैमिली है ये आपका बोल सकते हो आप तेलंगाना से ओरिजिनेटेड है, और इससे मैं बोल सकता हूँ जो कलमकारी है ना आंध्र प्रदेश वगैरह में जो आपको देखने को मिलती है, वो भी इससे इंस्पायर्ड है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, वर्ली आर्ट। अगर हम बात करें जो वर्ली आर्ट है इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वर्ली आर्ट का ओरिजिनेशन जो है, जो ओरिजिन प्लेस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये आप लोग आराम से बता सकते हो। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो जो नॉर्थ सह्याद्री है, जो वेस्टर्न घाट है, उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। यस और नो? हाँ जी, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। आप लोगों ने सुना भी होगा वर्ली करके इलाका ही पड़ता है हालांकि मुंबई में, लेकिन ये ट्राइब लोग करते हैं वर्ली आर्ट, तो आपको ऐसा याद रखना कि जो वर्ली है वो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, तो अमित, रिया, प्रवीण, मनीष, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग देखते हैं, ये आप बना सकते हो, पट चित्र। पट चित्र जो स्टाइल है किसका, पेंटिंग का, हम लोग बात करें तो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म है कहाँ का। बिल्कुल विजय, शिवानी, कमलदीप, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, वेस्ट बंगाल, आसाम, ओडिशा या फिर राजस्थान, और ये क्वेश्चन आया था आपका सीजीएल में 2019 में, ठीक है ना। देखो भाई ये सब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये वो चीजें हैं जो सब लोग छोड़ देते हैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट सच्चाई ये है कि एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों हम लोगों ने बात किया था नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक है ना, सिर्फ नवीन पटनायक का चित्र बना देंगे तो पटचित्र है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। ओडिशा नवीन पटनायक जी कौन है आप जानते हो, वहां के चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल करेक्ट बताया है यहाँ पे है ना, कमलदीप, रिया, शिवानी, देवाशीष, अमित, शिवानी, प्रवीण, मेघा, प्रतिभा, तो करेक्ट आंसर बेटा उड़ीसा होगा यहाँ पे, ठीक, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखें, जीआई टैग गाइस हम लोग बात करें, जो आपकी कस्तूरी कढ़ाई है इसके लिए किसको दिया गया, सॉरी कसौटी कढ़ाई में कस्तूरी बोल दिया, हम लोग बात करेंगे जो कसूटी है, कसूटी होता है बेसिकली ये, जो कसूटी कढ़ाई के लिए गाइस हम लोग बात करें जो आपका जीआई टैग है वो किसको दिया गया, तो आप ऐसे याद रखना के से कसूटी है और के से कर्नाटक है, के से कसूटी है, के से कर्नाटक है। नमस्कार भाई, हाँ बीजू जनता दल पार्टी है ओडिशा में, इस समय उन्हीं की सरकार है, ठीक है। तो बिल्कुल के से कर्नाटक और के से कसूटी है, इसको याद रख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में मार्क्स देकर के जाएगी, दूसरों से एडवांटेज आपको देकर के जाएगी। अगला देखें, फिलिंदा ब्लैंक्स इज अ टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम गुजरात और राजस्थान। गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है, ऑप्शन इकत, चंदेरी या फिर बंधनी या फिर पैठनी। दोस्तों पैठानी तो ये जो है ये कहाँ की है, ये आपको याद होगा आपका महाराष्ट्र की है। चंदेरी, चंदेरी याद है, बैटल ऑफ चंदेरी, ये कहाँ पर है, ये सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन चंदेरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यस और नो? चंदेरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। यस और नो? और अब हमारे पास अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें,
तो दोस्तों अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बंधनी, बंधनी के नाम से बोलते हैं। और बिल्कुल जो बंधनी वाला काम होता है ना, ये सेम काम होता है सुनगुड़ी के नाम से, सुनगुड़ी के नाम से। और सुनगुड़ी के नाम से ये काम होता है कहां पर? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में सुनगुड़ी के नाम से ये काम होता है। ये बात भी आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो ऐसा याद रखना कि जो गुजरात है वहीं पर क्या होता है, आप बोल सकते हो कि जो इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, वेस्टर्न वाली पश्चिमी वाली, है ना। तो लाइक दैट आप कुछ याद रख लेना, या फिर जो जहां पे बंद होती है हमारी कोस्टल, हमारा लास्ट कोस्टल स्टेट जो है कहाँ पे, वेस्ट वाले साइड है, पश्चिम के साइड में कौन सा है, गुजरात है, तो वहां पर ही बंद जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रखना, पैठानी भी इंपॉर्टेंट है, चंदेरी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, और क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग आ गया, पर हमको सबको पता है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पटचित्र। वर्ली कहाँ पर है दोस्तों, बताओ जरा मुझे। वर्ली, वर्ली अभी आपने देखा, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मधुबनी कहाँ पर मिलता है हमको, ये भी हम लोग को बिल्कुल याद है कि मधुबनी हम लोग को कहाँ पर मिलता है, उड़ीसा, सॉरी बिहार में देखने को मिलता है। ये बात भी आप लोग याद रखना, बंधनी मिलती है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। चलें अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। फेमस कार्टूनिस्ट जो थे आरके लक्ष्मण जी, है ना, उन्होंने गाइस बनाया था गट्टू। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नाम का एक कार्टून बनाया था, बताया। ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है, तो गट्टू नाम का जो कार्टून है वो इन्होंने कौन सी कंपनी के लिए बनाया था, गट्टू। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो गाइस ये कार्टून इन्होंने बनाया था 1954 में, और ये बनाया था उन्होंने एक पेंट वाली कंपनी के लिए जिसका नाम था एशियन पेंट। एशियन पेंट, यस और नो? हाँ जी, एशियन पेंट के लिए इन्होंने बनाया था, तो याद रखना बेटा, है ना, एशियन पेंट के लिए इन्होंने बनाया था गट्टू। कितने लोगों को पता है गट्टू कैसा दिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम, इनमें से कौन सा कबीला है जो सिक्किम से बिलोंग करता है, सिक्किम से बिलोंग करता है? अमूल होता है आपका, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है बिल्कुल, वर्गीस कुरियन ने बनाया था उसको, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अंगामी, भूटिया, गोंड या फिर चेचू, इनमें से करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम का। वह सिक्किम के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है जिनके नाम पे स्टेडियम भी बन रहा है, यस और नो, जिनके नाम पे स्टेडियम भी बन रहा है, बाईचुंग भूटिया। तो सिक्किम में फेमस कौन हो जाएंगे, भूटिया हो जाएंगे, है ना, भूटिया, भूटिया, बाईचुंग भूटिया का नाम तो सबको पता होगा ना, फुटबॉलर, फुटबॉलर थे वो, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम से याद रखें ना, बाईचुंग भूटिया के नाम से, है ना, बाईचुंग भूटिया के नाम से आप लोग इसको याद रखें। अगला देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसर ए हिंद गोल्ड मेडल बाय ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। दोस्तों केसर ए हिंद का जो गोल्ड मेडल है ये किस इंडियन पेंटर को दिया गया था और किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने, ये वही है जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल चालू कराया था, जिसने क्या कराया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसी ने कराया था, बताए। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में, तो बिल्कुल चालू कर दीजिएगा, ये बेस्ट टाइम है। हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट बताया बेटा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा एकदम इंपॉर्टेंट है, और अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था कब, 1904 में, और ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मैंने एक बार पहले भी कराया था आप लोग को, तो इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ के जाइएगा ये सब। अगला देखते हैं। 1904 में अवार्ड मिला था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया था, एक साल बाद 1905 में। विच स्टेट डज बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट पेंटिंग बिलोंग,
दोस्तों ये बाघ शैली मैंने शायद एक दो दिन पहले इससे रिलेटेड कुछ तो कराया था। बाघ जो है गाइस, जो शैली है कपड़ों की, ये आपको कहां पर देखने को मिलती है? बाघ स्टाइल। मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे इस स्टेट के हैं वो लोग जान जाएंगे। ये धार डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये कहां पर होता है? धार डिस्ट्रिक्ट में होता है। और धार डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है आपका बाघ। धार डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है और उस प्लेस का नाम है आपका बाघ। और अच्छा, मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ उसका टेस्ट होने वाला है आप लोग का, है ना? दो क्लासेस होने वाली टेस्ट की आपकी, स्पेशल क्लासेस में होगी। तो बिल्कुल सही बताया आप सभी बच्चों ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हाँ बिल्कुल, टाइगर स्टेट है ये, है ना? तो बिल्कुल आप लोग याद रखो दोस्तों कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बाघ स्टाइल का पेंटिंग आपको मिल जाएगा, टेक्सटाइल मिल जाएगा, कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, उसमें पेंटिंग की जाएगी बाघ स्टाइल में। टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। अब मेरी बातों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र? इनमें से कौन सी पेंटिंग है गाइस जो महाराष्ट्र को बिलोंग करती है? महाराष्ट्र को बिलोंग करती है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ली। यस और नो? अभी हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यस और नो? हाँ जी। द पेंटिंग ऑफ भारत माता आर्ट वॉज ओरिजिनली डन बाई, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से बनाई गई थी। भारत माता की जो पेंटिंग है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1905 में पहली बार बनाई गई थी। और इसको किसने बनाया था बेटा? आप अभी क्या करो, टेक्निकल आप पढ़ ही रहे हो, साथ में ना नॉन टेक पढ़ना चालू करो, है ना? तो आप अभी से पढ़ना चालू करोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये हैं आपके अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर जी आप लोग यहाँ पे याद रखना। तो इन्होंने भारत माता को डिपिक्ट किया था। भारत माता का मतलब क्या होता है? मदर ऑफ इंडिया। मदर इंडिया तो मूवी थी, आप लोग क्या बोलोगे? मदर ऑफ इंडिया। मदर ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो, और मदर ऑफ इंडिया या फिर गई आप बोल सकते हो हिंदू गॉडेस के स्टाइल में इनको बनाया गया था, है ना? तो याद रखना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वो है जो हमेशा डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, डिफरेंस आप बोल सकते हो, डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप में और बाकी लोगों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। प्रोफिलिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, जो है जो मकबूल फिदा हुसैन है, अगर मैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करूं, मकबूल फिदा हुसैन, यहाँ पर आप लोग देखिएगा मकबूल फिदा हुसैन, ये काफी विवादित भी रहे हैं और इनसे बारे में पूछा जा रहा है गाइस कि मकबूल फिदा हुसैन ने क्या किया था? एनिमल को डिपिक्ट किया था लिवली एंड फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग, चित्रों में जीवंत और स्वतंत्र भाव को प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से किस पशु का उपयोग किया था? मतलब लिवलीहुड को, और आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्री स्पिरिट के लिए इन्होंने कौन से पशु का इस्तेमाल किया था? मकबूल फिदा हुसैन, ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से चीजें से रिलेटेड थे, है ना? यस और नो? तो दोस्तों याद रखना, ये इन चीजों के लिए करते थे हॉर्सेस का इस्तेमाल, जो घोड़े हैं उनका इस्तेमाल करते थे। ये बात आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने, घोड़े को शो करते थे। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रूव्स एंड एंग्रेविंग इन ऑर्नामेंट विद कलर्ड एनामेल्स इज कॉल्ड, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन, है ना, दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो आपके पास जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना, तो उसमें अलग अलग बीच बीच में देखना कलर वगैरह लगाए जाते हैं, है ना, उसमें, तो उस जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से ज्यादा जाना जाता है? तो कॉपर, ब्रास, इन सब का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो बताओ जरा इसको किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये है आपका मीनाकारी, यह है आपका मीनाकारी, ठीक है, मीनाकारी है, याद रखना। अच्छा फुलकारी कहाँ का है? फुलकारी, फुलकारी हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ का? पंजाब का, ठीक है ना। चिकनकारी लखनऊ का हो जाएगा। जरदोजी आपको पर्शियन वगैरह का ज्यादा देखने को मिलेगा। और मीना कुमारी पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है और पर्शियन में भी चलता है। चले अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। इन विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिन्यूड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चिकनकारी? तो दोस्तों ये हम लोगों ने अभी देख लिया है,
इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ, है ना, लखनऊ इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, मेखला चादर इज ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, मेखला जो चादर है गाइस ये कहां की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रेस है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एक बार जरा। बेटा मैंने मीनाकारी ही बोला है, मीना कुमारी नहीं बोला है ना, मैंने मीनाकारी ही बोला है। हाँ जी, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या देना होगा बताइए जरा। ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो मेखला चादर है ये आपको देखने को मिलती है आसाम में, ठीक, जहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जहां माजुली है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा। पाब्लो पिकासो, क्लाउडे मोनेट, सलवाडोर डाली एंड विंसेंट वन गोग ये फेमस थे किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए फेमस थे, तो आप सब जानते हो दोस्तों ये लोग फेमस होंगे किसके लिए, अपने आर्ट वर्क के लिए। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो चिकनकारी आपसे कई बार पूछ लिया गया, राजा रवि वर्मा है ना। एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोग को एक पॉइंट लिखाना चाहूंगा, एक काम करते यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है जिनको केसर हिंद दिया गया था, राजा रवि वर्मा ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, यस और नो? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्लोजली रिलेटेड थे, किससे, क्लोजली रिलेटेड विथ रॉयल फैमिली ऑफ केरला, विथ रॉयल फैमिली ऑफ, अगर हम लोग बात करेंगे जो त्रावणकोर वाला जो एरिया है ना उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो त्रावणकोर का जो आपका जो शाही खानदान है उससे इनका ताल्लुक हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इनका स्टेट याद रख लेना राजा रवि वर्मा का केरला, ये आपके एग्जाम में पूछा लिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं डाल पाया दोस्तों क्योंकि टाइप नहीं हो पाया बेसिकली, पर मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए करा रहा हूं। उसके बाद फिर से पूछा था पॉपुलर बाघ केव कहां पर है, बाघ केव अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखना बेटा बाघ केव भी आपको कहां पर मिलेगा, जहां पे बाघ पेंटिंग होती है, ये क्वेश्चन याद रख लेना। अगर आपसे बाघ केव बोलता है तो उसी एरिया में होती बेसिकली, तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं। और अगर हम लोग बात करने क्वेश्चन करें तो हाँ यही दो थे, बाकी तो फिर वो लखनऊ वाला एक चिकनकारी वो रिपीट हुआ था। इतने ही क्वेश्चन दोस्तों आए होंगे। अब मैं आप लोग को कुछ अनाउंसमेंट कर दूंगा, यस और नो? बाकी अगर आप प्लस में हैं या फिर आने वाले हैं गाइस, तो अपना मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है और इसका टाइम है 7:30 का, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बातें आप लोग को बोलूंगा। देखो ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका टाइम आप जानते हो 12 PM पे और हर संडे को होता है आपका, तो आप एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द कोड NG10 और आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो। अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनना, बात क्या करने जा रहा हूँ मैं देखना एक सुनो। अगर हम लोग बात करें गाइस तो अपन लोग जो नॉलेज 365 यूट्यूब चैनल है, नॉलेज 365 पूरा सर्च मार लीजिएगा आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पे दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था कौन सा, 1 से लेकर के 10 और दूसरा गाइस मैं बात करूँ 10 से लेकर के 20 ये किसका है, मई का है ना। इसका गाइस आपका जो अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस होती है जो बिल्कुल फ्री होती है, याद रखना जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस होती है ना, फ्री क्लासेस होती है जिसको हम लोग स्पेशल क्लास बोलते हैं, वहां पर इसका टेस्ट होने वाला है 23rd को। एक टाइमिंग होगा 8 AM, ठीक है, और दूसरा टाइमिंग होगा दोस्तों 10:30। ये मैं आप लोग को पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लें, यस सर, ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक है गाइस। फिर मैं आप लोगों का कमेंट अभी देख लूंगा एक बार, ये आपको पढ़ना है। दूसरा दोस्तों ज्योग्राफी का भी जो क्वेश्चन है वो मुझे कराना था, तो ज्योग्राफी के दो टेस्ट कराऊंगा मैं 22nd को। एक का टाइमिंग है 1 PM
ठीक। और दूसरे का टाइमिंग है दोस्तों 6:45, दूसरे का टाइमिंग है आपका 6:45। ये दो क्लासेस गाइस अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग करने वाले हैं, मतलब टोटल फोर क्लासेस की स्पेशल क्लासेस आई हैं, है ना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, कल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे, इवेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो गाइस ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देना था, ताकि आप लोग रिविजन कर लो, और मैं अब आपके एक बार कॉमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, किसी को कुछ पूछना है? लिम्सी, विजय, मेघा, मैं डेफिनेटली और क्लासेस लूंगा, और नॉलेज 365 जो चैनल है ना उसमें भी आ जाइए, तो वहां पर भी क्लासेस होंगी। आज वहां पर हम लोग देखने वाले हैं शाम को 6 बजे, क्या देखेंगे बताओ, जो 6 आपके हेरिटेज जो साइट है जो अभी हो सकती है बन जाए उनके बारे में, क्योंकि वो अब एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि यूनेस्को ने उसको रखा है अपने पास में। ठीक है, और जो पॉलिटी की बात है तो पॉलिटी आपका होता रहेगा, मुझे अभी 250 क्वेश्चन और कराने हैं पॉलिटी को, उसी चैनल में करा दूंगा। ठीक है, और हम बात करें भाई, कल टॉपिक होगा इंडिया में जितने भी इवेंट हुए ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसके मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, कभी 4 PM पे। ठीक है गाइस, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ज्योतिरादित्य, कमलदीप, रुचि, आयुषी, शिवानी, अमित, थैंक यू एवरीवन, है ना, लिम्सी, प्रतिभा, चलिए, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और 6 PM पे जो क्लास होगी वो कहाँ पर होगी? नॉलेज 365 यूट्यूब चैनल पे करेंगे। और याद रखना सभी बच्चों को यार फ्री की क्लासेस होती है, स्पेशल वाली, अगर आप प्लस में नहीं हो डोंट वरी, वो क्लासेस फ्री होती हैं, तो जस्ट यूज कर लीजिएगा कोड MG10, उन क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा और वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। तो जो 6 नई साइट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो टेंटेटिव डाली गई है ना, और वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी कि वो यूनेस्को की साइट में शामिल हो जाएंगी, तो उसको हम लोग शाम को देख लेंगे। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। ओके गाइस, है ना, थैंक यू एवरीवन।